अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को कॉल करना चाहते हैं या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सिम कार्ड का ज़रूरत होता है, तभी आप किसी को कॉल कर सकते हैं या फिर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एक सिम कार्ड लाते हैं और उसको अपने मोबाइल फ़ोन में इंसर्ट करते हैं तो आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं या फिर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका नेटवर्क आपके कुछ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है? तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से आपके इन्फॉर्मेशन हैं जो आपका नेटवर्क मेंटेन करता है। नेटवर्क को आपके मोबाइल के मॉडल नंबर के बारे में भी पता होता है। जैसे कि अगर आप MI का 6th मॉडल यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क को पता होगा कि आपका मोबाइल MI 6 है। जब एक मोबाइल कंपनी एक मोबाइल बनाती है तो उस मोबाइल के पहचान के लिए उस मोबाइल को एक IMEI नंबर असाइन किया जाता है। यह IMEI नंबर नेटवर्क को भी पता होता है। नेटवर्क के पास आपका खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। जब आप सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो आपको सिम कार्ड लेने से पहले एक फॉर्म फिलअप करना होता है जिसमें आप अपना नाम एड्रेस देते हैं। नेटवर्क को आपके सब्सक्रिप्शन पैक के बारे में भी पता होता है, जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन पैक कब एक्टिव हुआ था और आपके सब्सक्रिप्शन पैक कब खत्म होगा। नेटवर्क को आपके होम लोकेशन और विजिटर लोकेशन के बारे में भी पता होता है। अगर आप किसी शहर में रहते हैं और वहां से आपने सिम खरीदा है तो उस शहर का लोकेशन आपका होम लोकेशन कहा जाएगा, और अगर आप उस शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो इस शहर का लोकेशन आपका विजिटर लोकेशन कहा जाएगा। ये दोनों लोकेशन नेटवर्क अलग अलग रजिस्टर में मेंटेन करता है। नेटवर्क के पास आपका कॉल हिस्ट्री भी होता है, जिसमें आपने कब किससे और कितनी देर बात की है इस बारे में भी डिटेल होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ।